हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल वूलन क्रोशेट निटिंग में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके लिए ये वूलन फ्लावर लेके आई हूँ। ये मैंने क्रोशिया से बनाया है। देखिए, ये कितना प्यारा फ्लावर है। इसे आप बेबी जैकेट, तोरण में, थालपोस में या फिर ठाकुर जी की ड्रेस में भी लगा सकते हो बना करके। ये बहुत ही प्यारा लगता है। आप इसे किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हो। आज मैं आपके लिए इसे बनाऊंगी। देखिए, इस फ्लावर को हम किस तरह बनाएंगे। इस फ्लावर को बनाने के लिए हमें देखिए धागे को ऐसे लेके, देखिए ऐसे नोट लगाएंगे और इसको हमें यहाँ से ऐसे पकड़ के रखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थ्री चैन बनाएंगे। 1, 2 और 3। थ्री चैन बना के हम दो चैन और बनाएंगे, 4 और 5। 5 चैन बनाने के बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस होल में से। अब देखिए, हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे, 1, 2। फिर हम इसी होल में से ऐसे यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 2 चैन बनाएंगे, 1 और 2। फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 2 चैन बनाएंगे, फिर हम यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए ऐसा हमें 1, 2, 3, 4 हम एक बार और बना लेंगे, 1 और 2। फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से। फिर हम यहाँ पे 2 चैन बना लेंगे और फिर धागे को हम ऐसे, देखिए खींचेंगे। ये जो हमने यहाँ पे 5 चैन बनाई थी, 5 चैन में इसने 1, 2 और 3 चैन में से हम यहाँ से इसको ऐसे स्लिप स्टिच देंगे। इस तरह से ये हमारा बन के ऐसे आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें वाइट कलर लगाना है। देखिए, वाइट कलर लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नोट लगाई है इस तरह से, और फिर हम इस नोट को ऐसे इसमें से निकालेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर हमें क्या करना है, ऐसे इसको यहाँ पे, देखिए एक नोट हम यहाँ पे लगा देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसको हम ऐसे कट कर देंगे। और इन दोनों के यहाँ पे नोट लगाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे इन दोनों की नोट लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों धागों को हम इसी में, इसी के अंदर ले लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे एक चैन बनाई है, अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे हमें हर होल में से, देखिए यहाँ पे हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 टाइम्स हमने यहाँ पे ऐसे डबल क्रोशिया बना लिया। अब क्या करेंगे, हम इसे नेक्स्ट होल में हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये फिर हमें नेक्स्ट होल में से भी 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद धागों को हमें इसी के अंदर लेना है, फिर हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 बार फिर नेक्स्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए, एक हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें यहाँ प्रत्येक होल में से ऐसे ही
फाइव फाइव बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इस होल में से इसको ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से देखिए इधर से ऐसे इसमें से एक सिंगल क्रोशिया देखिए यहाँ से बना देंगे। अब देखिए हम इस धागे में से यहाँ से और इससे नेक्स्ट में से इन दोनों पत्तियों में से देखिए एक एक ऐसे फंदा ले लेंगे और इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे यहाँ से। अब हम क्या करना है, हम थ्री चैन बनाएंगे, वन टू और थ्री। थ्री चैन बना के देखिए हमें नेक्स्ट में से इस पत्ती में से एक लेंगे और इससे नेक्स्ट पत्ती में से भी हम ऐसे देखिए एक एक दोनों तरफ से ले लेंगे। फिर हम इसको ऐसे जॉइंट करेंगे। फिर हमें क्या करना है, फिर हम थ्री चैन बनाएंगे, वन टू और थ्री। थ्री चैन बनाने के बाद देखिए फिर हमें ऐसे ही करना है, इसमें से और इसमें से इसे दोनों में से एक एक ले लेंगे और इसको ऐसे यहाँ से हमें ऐसे जॉइंट करना है। इसी तरह हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको क्या, यहाँ पे देखिए ऐसे इसमें से फर्स्ट चैन में से इसको हम जॉइंट करेंगे इधर से। अब देखिए हम जो हमने यहाँ थ्री चैन बनाई है इसी चैन में से हम ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें डबल क्रोशिया बनाना है, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। देखिए हमने यहाँ पे फाइव फाइव बार डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सेवन बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट लूप में हम क्या करेंगे, ऐसे हमें नेक्स्ट लूप में ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर हमें सेवन बार ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। देखिए यहाँ पे हमें सेवन सेवन बार, यहाँ पे हर लूप में से सेवन सेवन बार ऐसे ही पत्तियाँ बनानी है डबल क्रोशिया से। फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हमें यहाँ पे सेवन बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह बनाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको ऐसे जॉइंट करेंगे और फिर हमें क्या करना है, देखिए फिर हमें इस लूप में से इधर से और इधर से सेम ऐसे ही लेना है जैसे हमने फर्स्ट रो में लिया था। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने थ्री थ्री चैन ली थी, अब हम क्या करेंगे, हम फोर फोर चैन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, सॉरी हमें फाइव चैन लेनी है यहाँ पे। अब नेक्स्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए
फिर हम फाइव चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर हमें ऐसे ही करना है, यहाँ से देखिए तो चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से, जो हमने 5 चैन बनाई है इसको यहाँ से हम जॉइंट करेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, देखिए जो हमने ये फ्लावर हमने यहाँ पे, तो हमने 5 बार डबल क्रोशे से बनाया है, यहाँ पे हमने 7 बार, अब हम यहाँ पे 9 बार बनाएंगे डबल क्रोशे से ऐसे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए इस तरह हमें 9 9 बार एवरी लूप में से 9 9 बार बना लेंगे इसी तरह से। देखिए ऐसे, चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे एक सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे और ऐसे चैन बना के हम इसको यहाँ से कट करेंगे। अगर आप बड़ा फ्लावर चाहिए तो आप एक एक रो और बना सकते हैं फ्लावर में, इससे हमारा और बड़ा फ्लावर बन जाएगा। आप इन फ्लावर को किसी भी कलर में बना सकते हो, ये बनके बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।